मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे सूजी आलू स्टिक्स। उसके लिए हमने लिए हुए दो हमने बॉईल आलू लिए हुए हैं जिनको हमने छील के रखा हुआ है, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली हुई है, 1/2 कप सूजी ली हुई है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/2 कप हमने पानी लिया हुआ है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें पानी को गर्म कर लेंगे, पानी को बॉईल होने देंगे, 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, 1 अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे जिससे ये फूल जाए अच्छे से। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हमें इसका डो तैयार करना है। सूजी को हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतने हम अपने आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे, आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, मिर्च, हरा धनिया, कसूरी मेथी को हल्का सा हाथ पर क्रश करते हुए डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम इसे हाथों की हेल्प से एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हल्का सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे, एक साइड हम ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा डो लेंगे इसको स्टिक की शेप देते हुए, इस तरीके से लंबाई में बढ़ा लेंगे हम इसे। अब इनकी दोनों साइड को हम कट कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें छोड़ देंगे हम इसे। इस तरीके से दूसरी भी तैयार कर लेंगे। कट कर लेंगे, सभी को इसी तरीके बना तैयार कर लेंगे हम। इनकी साइड को हम पलट देंगे हल्का सा टच करते हुए। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है और उनको सेक लेंगे हम। सभी को चारों तरफ से पलटते हुए सेक लेंगे हम।
हमने ने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, अब हम ये अलग निकाल लेंगे। बाकी बच्चे को भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी को हमने डीप फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है, जो बनती रहेंगी उनको हम अलग निकाल लेंगे। इनको चारों तरफ से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम को हमने हाई रखा है, हम इन्हें हाई फ्लेम पे बना रहे हैं जिससे ये घी एब्जॉर्ब ना करे। जो स्टिक हमारी बन चुकी है उनको हम अलग निकाल लेंगे। सभी स्टिक बनकर तैयार हो चुके हैं, इनको हम अलग निकाल लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। बहुत ही अच्छी स्टिक बनी है हमारी। अब हम इसे चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इन्हें गर्म गर्म सर्व करेंगे। सूजी आलू स्टिक बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।